like the shit. Shit, हेलो गाइस, आई एम राहुल और ग्लाइडर में आप सबका स्वागत है। इस पैंडेमिक में आपने और हमने बहुत ही अपनों को खोया है, जिसका मुझे बहुत ही ज़्यादा दुख है। बट मैं आशा करता हूँ आप सब अच्छे होंगे। यू ऑल आर डूइंग ग्रेट। आज हम खेलने जा रहे हैं रेनबो सिक्स सीज, जो कि एक पीसी गेम है। जैसे कि आप देख सकते हैं कि मेरा नाम है मैन ऑफ स्टील। इस गेम को खेलने से पहले मैं आपको कुछ बता दूं। हम खेल रहे हैं रैंक मैच। इसमें कुछ फेज होते हैं, जैसे कि मैप बैन फेज, ऑपरेटर बैन फेज। मैप बैन फेज में तीन मैप्स होते हैं, एक मैप वो बैन करते हैं और एक मैप हम बैन करते हैं। तो बचा जो मैप उसे खेलना पड़ता है। तो हमने बैन किया थीम पार्क और उन्होंने भी बैन किया थीम पार्क। बचा दो मैप, उसमें से रैंडमली जो आएगा उसे हमको खेलना पड़ेगा। तो हमें मिल गया अभी कैनल मैप। ठीक वैसे ही ऑपरेटर बैन फेज आता है। इसमें एक अटैकर टीम रहता है और एक डिफेंडर टीम रहता है। तो फिलहाल डिफेंडर हम हैं, तो हमें उनका एक स्ट्रॉन्ग अटैकर बैन करना होता है, जिसको वो लेके ना आ सके। वैसे ही वो भी हमारा एक स्ट्रॉन्ग डिफेंडर को बैन कर लेते हैं। ऑपरेटर बैन फेज खत्म होने के बाद आता है प्रिपरेशन फेज। इसमें क्या होता है, हमको कुछ साइट चूज करना होता है और कुछ ऑपरेटर चूज करना होता है। तो इसमें हमने चूज किए 2F सेकंड फ्लोर, और ऑपरेटर में मैंने चूज किया मोजी को। इसका एबिलिटी क्या है, ये कैसे काम करता है, ये आपको आगे जाके ही पता चलेगा। तो मोजी जो ऑपरेटर मैंने चूज किया है, इसका कुछ ऐसा एबिलिटी होता है कि इसके पास तीन फेस्ट रहते हैं, जो कि अटैकर का ड्रोन को स्विच कर लेता है, ताकि वो अटैकर का ड्रोन मेरा हो जाए। तो प्रिपरेशन फेज खत्म होने के बाद आता है एक्शन फेज। तो मैं अभी स्पॉन पिक ले रहा हूँ। अगर अटैकर इधर से स्पॉन होके आएंगे तो मुझे एक आध किल मिल जाएगा। खैर इधर से कोई आया नहीं, तो हम दूसरे और जाके देखेंगे। अगर कोई बंदा दिखा तो एक आध किल मिल ही जाएगा। खैर कुछ देर के बाद सामने से मुझे कुछ फुटस्टेप सुनाई देता है। बंदा यहाँ पे पहले से पिक करके खड़ा है। उस बंदे को मारने के बाद कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि सामने और एक बंदा है। तो यहाँ पे मैं 2 सेकंड क्लिक करता हूँ और ये देखिए, तीन बंदे को मारने के बाद बचा अभी 2 बंदे। एक बंदे को अपना बंदा मार चुका रहता है और बचा एक बंदा। इसे कैसे मारते हैं ये देखिए। इस गेम में अगर आप होल्ड करके ना खेलोगे, अगर प्रॉपर साउंड का इस्तेमाल करके नहीं खेलोगे, तो सामने वाला आपको मार कर चल जाएगा, क्योंकि सामने वाला पिक करके बैठा रहता है और आप आसानी से स्पॉट हो सकते हैं। कहीं ना कहीं मुझे लगता है बंदा रूफ पे। तो इसे कैसे मारते हैं ये देखिए। तो 4 किल के साथ फर्स्ट राउंड हम जीत गए। अभी हम बढ़ते हैं सेकंड राउंड की तरफ, और हमने चूज किया है अभी बेसमेंट। तो ऑपरेटर में मैंने चूज किया फ्रॉस्ट को। ये कैसे काम करता है, इसका क्या एबिलिटी है, अभी आगे चल के ही पता चलेगा।
who's getting the hatches? Oh, nice. तो दो हैच रेनफोर्स करने के बाद मैं जाता हूँ इसका फ्रॉस्टमैट लगाने, मतलब अगर कोई बंदा खिड़की से अगर कूदे तो मेरे फ्रॉस्टमैट में आके गिरे, इसे बोलते हैं वेलकम मैट। तो ये एक ट्रैप है। फ्रॉस्ट के पास रहता है प्राइमरी गैजेट में 3 फ्रॉस्टमैट और सेकेंडरी गैजेट में 1 शील्ड। सारा सेटअप खत्म होने के बाद मैं जाता हूँ रूक का आर्मर लेने के लिए। तो रूक जो होता है एक टीममेट्स को आर्मर प्रोवाइड करता है। मैं ये देखता हूँ मेरा टीममेट पहले से किसी के साथ फाइट लड़ रहा है, तो मैं उस तरफ जाता हूँ। तो ये देखता हूँ यहाँ पे बंदों ने चारों तरफ रीच करके रखा है, तो मैं एनिमी को स्पॉट करने का कोशिश करता हूँ। मुझे कोई नहीं दिखता यहाँ पर, तो मैं सीधा ऊपर ही जाता हूँ। तो मैं यहाँ पे आके 2 सेकंड के लिए पिक करता हूँ। मैं सोचा कोई बंदा आएगा तो मैं मारूंगा, बट यहाँ पे कोई बंदा आता नहीं, कोई बंदा दिखता नहीं, तो मैं आगे ही बढ़ जाता हूँ। यहाँ पे मेरे फ्रॉस्टमेट में एक बंदा फंस चुका रहता है। लास्ट वाले को मेरे टीममेट ने उधर से पुश करके इधर भेज दिया। और ये देखो, तो इसी तरह ये राउंड भी हम जीत गए 3 किल से। नाइस। तो हमारा डिफेंड खत्म होने के बाद आ जाता है अटैक। तो यहाँ पे मैं ऑपरेटर चूज़ करता हूँ अमारू को। अमारू कैसे काम करता है, इसका एबिलिटी क्या है, मैं आपको आगे जाके ही बताऊँगा। तो प्रिपरेशन फेज स्टार्ट होने के बाद मैं यहाँ पे ड्रोन करता हूँ। तो अमारू का एबिलिटी ये है कि वो उड़ के जा सकती है। तो कैसा रश करते हैं ये देखो। अंदर घुसते ही मुझे पहले से राइट साइड में साउंड आ जाता है, एक बंदा है। इसे कैसे मारते हैं देखो। यहाँ पे स्लोली बंदे को आइडेंटिफाई करते हुए मैं आगे बढ़ता हूँ। और ये देखिए यहाँ पे, जैसे कि आप देख सकते हो मुझे MVP मिला, मोस्ट वैल्यूएबल प्लेयर, क्योंकि सबसे ज़्यादा किल मैंने किया है। इसी के साथ ये राउंड भी हम जीत जाते हैं और पूरा मैच हमारे नाम पे कर देते हैं। Man of Steel, do you wanna play with So guys, आज का गेम प्ले यहीं पे ख़त्म होती है। फिर मिलेंगे इसी चैनल पे इसी वक्त एक और नया मज़ेदार गेम प्ले के साथ। और कमेंट में बताएं कि मुझे और कौन कौन सी गेम खेलते हुए आप देखना चाहते हो। आपके जो ये प्यारे प्यारे कमेंट्स हैं मुझे पढ़ के मोटिवेट फील होती है। मैं चला आप लोगों के लिए और एक नया गेम प्ले बनाने के लिए। तब तक के लिए बाय, टेक केयर।